जिला फिरोजाबाद के टूला में जैसा कि सभी लोगों को विदित है कि अटेवा पेंशन बचाओ मंच के बैनर तले पुरानी पेंशन बहाली की मांग की जा रही है, जिसको लेकर पिछले 26 नवंबर को एक विशाल महारैली और 30 अप्रैल को भी पूरे पेंशन विहीन साथी एकत्रित होकर सरकार पर दबाव बनाते रहे हैं। उसी क्रम में पुरानी पेंशन बहाली राष्ट्रीय अभियान के आह्वान पर 28 जनवरी से 1 फरवरी तक क्रमिक अनशन का कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें उत्तर प्रदेश से 1 फरवरी को बड़ी संख्या में साथी प्रतिभाग करेंगे। अटेवा फिरोजाबाद द्वारा तैयारी के लिए कार्य योजना बनाने हेतु टूला बीआरसी पर बैठक रखी गई, जिसमें भारी संख्या में शिक्षकों व कर्मचारियों ने प्रतिभाग किया। इस मौके पर जिलाध्यक्ष अटेवा धर्मेंद्र कृष्ण, आय व्यय निरीक्षक कमलेश कुमार, ब्लॉक अध्यक्ष दिनेश शर्मा, मनीष शर्मा यूटा, योगेश शर्मा, विशाखा राठौर आदि लोगों ने उपस्थित रहकर प्रतिभाग किया। टूला से ब्रजपाल सिंह परमार की रिपोर्ट, एसकेएच न्यूज। हमारा उद्देश्य पुरानी पेंशन की बहाली है और हमारा एक कार्यक्रम जो दिल्ली के जंतर मंतर में 28 जनवरी से शुरू हुआ है और लगातार वो चल रहा है, उसमें पूरे देश से पेंशन विहीन कर्मचारी प्रतिभाग कर रहे हैं और हमारे यूपी का नंबर 1 फरवरी को लिया गया है, उसमें हम सभी एकजुट होकर के वहाँ प्रतिभाग करेंगे। और मैं आपके चैनल के माध्यम से एक अपने जिले के सभी पेंशन विहीन साथियों से निवेदन भी करना चाहता हूँ कि सभी बड़ी संख्या में पहुँचें और चुनावी वर्ष है, अगर हमें पेंशन बहाल करानी है तो हम सभी को सभी गुटों से ऊपर उठ करके सारी राजनीतिक दलों की सोच को अलग रखते हुए पूरी संख्या में सभी को एक साथ दिल्ली में प्रतिभाग करना होगा और सरकार को ये दिखाना होगा कि हम सभी अपने पुरानी पेंशन बहाली के लिए एकजुट हैं। अगर हमारी मांग मानी नहीं जाती है तो आगामी समय में आगामी चुनाव में हम उनको ये दिखा